की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। करके जा सकते हैं, जैसे आप लोग जाते नहीं जाते 48 मिनट के बाद में फटाफट करते कितने ऐसे। लेकिन बड़ी दीक्षा जब उसका मन संकल्प दृढ़ हो गया, गुरु महाराज ने भी देख लिया, उसका स्वभाव देख लिया, उसका आचरण देख लिया, देखने के बाद में उन्हें अनुमति मिल गई, उसकी इच्छा, उसका संकल्प और गुरु महाराज की अनुमति, तब उसे बड़ी दीक्षा देते हैं। बड़ी दीक्षा आजीवन होगी, बड़ी दीक्षा होगी, ये पक्की दीक्षा होगी। अब किसी भी प्रकार का इसमें समझौता नहीं हो सकता है। बौद्ध धर्म में सेम ऐसे ही चलता है। बौद्ध धर्म में प्राय हर व्यक्ति को 2 साल के लिए साधु बनना होता है। अभी क्या सिस्टम चल रहा है नहीं पता, पूर्व में यही सिस्टम था, और भी बड़ी संख्या में लोग साधु बनते हैं 2 वर्ष के लिए। बड़ा राजकुमार भी 2 वर्ष के लिए साधु बनता है और पूरे तीर्थों की यात्रा करता है, बिल्कुल साधु की तरह रहता है। 2 वर्षों के बाद में उसे पूछा जाता है कि तुम्हें और आगे बढ़ना है, साधु पुनः में रहना है, या तुम्हें वापस संसार में जाना है, जैसी उसकी इच्छा हो वैसा वो करता है। कभी कभी हमें लगता है कि अपने यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको भी 6 महीने के लिए तो साधु बना लेना चाहिए। नहीं, 6 महीने साधु बनेगा तो उसे लगेगा कि साधु क्या चाहिए। तो साधुओं की आलोचना करते समय उसके हृदय में भाव पैदा होता कि मैं भी तो शिक्षा ले रहा हूं, तो मैं साधु बना क्या है, वो समझ पाएगा। 6 महीने के लिए जीवन के सूत्रों को ग्रहण करना है, सावक जीवन है। लेकिन 6 महीने के लिए अगर सबको साधु बना दिया जाए सामयिक कैलेंडर में, और फिर उससे कहा जाए अब 6 महीने के बाद में तुम्हारी इच्छा अगर इसमें रमन करने की है तो आगे बड़ी दीक्षा, और नहीं साधु जीवन क्या है, क्योंकि वो 51 दिन का पूरा साधु बना पाता है, अपने आप पर जो मुमुक्षु को उन्होंने उपदान कर रखा है, एक जो उसने कर रखा है सर्वत ने कर रखा है, हमारे नन्हे मुन्ने ने अभी उपदान किया और भाभी ने किया, रजत के नहीं भरत के बाकी रह गए लोग उपदान किए हुए, तो उन्हें अच्छी तरह से पता ये छोटा मुन्ना नन्ना मुन्ना इसने उपदान किया 51 दिन का और मोक्ष माला धारण किए और उपवास एकाशना तपश्चर्या के साथ और सारी विधियां इसे पता है। ये अपने वर्तमान में बड़ी दीक्षा जो दी जाती है, वो बड़ी दीक्षा भी योगोद्वान पूर्वक दी जाती है, इसमें साधना करनी होती है। बड़ी दीक्षा में कम से कम 16 दिन चाहिए, कम से कम चाहिए 31 दिन, अन्यथा 16 दिन अनिवार्य रूप से। 16वें दिन बड़ी दीक्षा होती है, अथवा कोई मुहूर्त ऐसा ही आ रहा हो तो 9वें दिन बड़ी दीक्षा हो जाती है। लेकिन कभी कभी गौतम स्वामी की कृपा इन पर बरसे ताकि संयम जीवन इनका उत्कृष्ट हो सके, और अब तो इनको संकल्प ले लेना 7 वर्ष और मौनी धारण कर लेना और किसी से बार वार्तालाप करना, ये 5 दिन की छूट रख लो, उसके बाद में किसी से वार्तालाप ही नहीं करना, कंप्लीट ना, केवल पढ़ाई पढ़ाई और आराधना। कोई परिवार वालों से भी मिल लो, बाद में परिवार वालों से मिलने का भी प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि उनका तो वो रहेगा, मगर कभी कभी ज्यादा मिलना ये मम्मता का कारण भी बन सकता है, मगर ये तो बहुत समझी हुई है और समझ पूर्वक इस परिपक्व दशा में ली, इसलिए वो समस्या आने वाली नहीं है, मगर फिर भी हमें साधना करना, उद्देश्य को ध्यान रखना, जिस उद्देश्य से हमने संयम लिया, हमारे संयम का उद्देश्य केवल व्याख्यान देना नहीं है, लोगों को रिझाना नहीं है और अपना यश प्राप्त करना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कर्मों की निर्जरा, और दोनों प्रकार की परिस्थितियां मिलेगी, सम्मान करने वाले भी मिलेंगे, अपमान करने वाले भी मिल जाएंगे, निंदा करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन दोनों ही स्थितियों में संभाव रखना है। वही हमारी साधुता है, वही हमारी निर्जरा का हेतु है, बस वो भाव अपने अंतर में रखना और खूब उत्कृष्ट चरित्र का पालन करना। बस एक बात का ही ध्यान रखना कि मेरे संयम जीवन में कोई दोष न लगे, चाहे वो आत्मवाणी संबंधित हो, किसी भी प्रकार का दोष मेरे जीवन में न लगे, मैं निर्दोष चरित्र की पालना कर सकूं। ये संयम जीवन मुझे मिला है, ये चरित्र जीवन मुझे मिला, ये अनमोल रत्न मुझे मिला, बस इस रत्न को बहुत संभाल कर सार संभाल पूर्वक रखना है, इस रत्न पर कोई खरोंच नहीं आने देना है। ये हमारी जो सफेद चादर है
इस पर कोई छोटा सा भी कोई दाग न लग जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और हमारे साधवी जी गणनी प्रवासी सूरी प्रवासी जी महाराज जिनकी शिष्या बनी, मैंने परसों कहा था गणनी श्री सूरी प्रवासी जी महाराज साहब उनका पूरा ग्रुप जिनकी इच्छा तो यहाँ है, उनका मन आज भी यहाँ है, लेकिन स्वास्थ्य की विपरीत दशा के कारण से वो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तब भी आने की उतावल कर रहे थे, लेकिन तब मैंने ही मना किया क्योंकि मुझे तो उनका स्वास्थ्य क्या है सारी बातें उनकी देखनी होती है, इसलिए वो तो उन्होंने भी याद कर ही दिया था, परितन से भी याद हो गया, गिरदान से भी याद हो गया, और याद करने के बाद में आगे आगे कोरोना सेकेंडरी चीज, लेकिन उनका स्वास्थ्य पहली चीज थी, स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण से फिर हमने उनको मना किया कि इतना लंबा भी आ रहे, इतनी बड़ी उम्र है, इस कारण से आप मत पधारे, मैं अपना अवसर देख लेता हूं। इस कारण अनुकूलता प्रतिकूल स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण से उनका मन होने पर भी वो आज यहाँ पर नहीं पधार पाए हैं, लेकिन उनका हृदय उनकी मंगल भावनाएं मंगल कामनाएं यहीं पर है। कोटिगण वज्र शाखा चंद्रकुल खरतर विरुद्ध पूज्य महोपाध्याय श्री क्षमा कल्याण जी महाराज की वासक्षेप, पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज का समुदाय, पूज्य आचार्य भगवंत श्री मज्जन कांति सागर सूरी पुण्य प्रभावे परम पूज्य गुरुदेव छात्रपति आचार्य भगवान श्री जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब की शुभ निश्चाल साक्षी साध्वी रत्न साध्वी रत्न श्री विरल प्रवासी जी विपुल प्रवासी जी साक्षी सावकवरी श्रीमान मनोज जी ओस्तवाल साक्षी सौभाग्यवती अनीता देवी ओस्तवाल, खड़े हो जाए दोनों, हाथ में चावल ले लें और एक साइड में ले एक तरफ, एवं सब संघ समक्ष महत्रा पद विभूषिता साध्वी रत्न श्री चंपा सिंह जी महाराज की शिष्या गणिनी प्रवरा श्री सूर्य प्रवासी जी महाराज की शिष्या साध्वी कृतार्थ प्रवासी जी नाम निथारग बारगा हो ठस्व। आज मारा तेरा शर्मा शाखा चंद्रकुल खरतर विरुद्ध पूज्य क्षमा कल्याण जी महाराज की वासक्षेप पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज का समुदाय पूज्य आचार्य भगवंत श्री मज्जन कांति सागर सूरी पुण्य प्रभावे परम पूज्य गुरुदेव छात्रपति आचार्य भगवंत श्री जन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के साक्षी साध्वी रत्न श्री विरल विरल प्रवासी जी साक्षी
श्रावक वर्य श्रीमान मनोज जी ओस्तवाल, सौभाग्यवती अनिता देवी ओस्तवाल एवं सर्व संघ समक्ष विदुषी साधवी रत्ना महत्रा पद विभूषिता चंपा सिंह जी महाराज की शिष्या, गणित प्रभासी सूर्य प्रभासी जी महाराज की शिष्या साध्वी कृतार्थ प्रभासी जी नाम निथर्गतार राहो ह ख ठ ठस्व। केसरिया केसरिया मनोज जी ओस्तवाल, सौभाग्यवती अनिता देवी ओस्तवाल एवं सर्व संघ समक्ष महत्रा पद विभूषिता साध्वी रत्ना श्री चंपा सिंह जी महाराज की शिष्या, साध्वी रत्ना गणनी प्रवासी सूर्य प्रवासी जी महाराज की शिष्या साध्वी कृतार्थ प्रवासी जी नाम निथारग पारगा हो ह थ थ थ स्वाहा। जीनी जीनी युडे गुला रखी गई है कृतार्थ प्रभा मुनि जी की। और क्या विशेष क्या होता है बड़ी दीक्षा में, देखने वाले दर्शकों को बताएंगे आप? बड़ी दीक्षा में पंच महाव्रतों का उच्चारण किया जाता है। छोटी दीक्षा का काल अधिकतम 6 महीना है और बड़ी दीक्षा का काल आजीवन होता है। तो बड़ी दीक्षा होने के बाद में ही वो पक्की दीक्षा मानी जाती है और बड़ी दीक्षा होने के बाद में ही वो हमारे साधु साथियों के ग्रुप में शामिल होती है। तो आज बड़ी दीक्षा में उन्हें पंच महाव्रत उचराए गए और उन्होंने पांच पांच विशेष प्रकार से आजीवन मन वचन काया से उन्होंने संकल्प ग्रहण किए, यही बड़ी दीक्षा है। और इनका पहला विहार कहां पर होगा बताएं? यहां से अभी विहार 26 तारीख को
जानकी नगर के लिए होगा और उसके बाद में धूलिया की ओर बिहार होगा। जय।